हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो मैं अपहिल और डाउनहिल के बारे में बताने वाला हूं। एक पार्किंग लॉट में जहां पे कार आपकी स्लोप के तरफ जाती है और अपहिल ऊपर के तरफ जो स्लोप में है, हमें पार्किंग के कार लेके जानी है और कार को वापस लेके आना है बाहर की तरफ। तो वो जो होता है वो अपहिल के तरफ होता है और नीचे लेके जाएंगे डाउनहिल के तरफ होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अपहिल और डाउनहिल के बारे में होने वाली है। मैं एक पार्किंग बेसमेंट में लेके जा रहा हूँ अपनी कार को। वहां से आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह से हमें कार को नीचे स्लोप की तरफ लेके जाना चाहिए और कार को किस तरह से हम अपहिल जो ऊपर की तरफ लेके आएंगे। तो पहले मैं कार को लेके जा रहा हूँ, तो डाउनहिल में हमें किस तरह से ड्राइव करना चाहिए या कार किस तरह से अंदर की तरफ लेके जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरी देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो अभी मैं कार स्लोप की तरफ लेके जा रहा हूँ। अभी ये मेरी यहाँ पे एक पार्किंग मॉल है, एक शॉपिंग मॉल है। यहाँ पे पार्किंग जो है बेसमेंट के अंदर है। बेसमेंट में हमें कार को अंदर की तरफ लेके जाना होता है। तो जो बेसमेंट में कार लेके जाते हैं तो वो होता है स्लोप की तरफ, स्लोप होता है उसमें। तो हमें अपहिल जब बाहर लेके आते हैं तो ऊपर की तरफ चढ़ाई की तरह होता है। तो चढ़ाई में हमें किस तरह से ध्यान रखना चाहिए कार को, किस तरह से अपना फुट मूवमेंट करना चाहिए, और डाउन हिल में सबसे बेस्ट तरीका क्या है आप कार को नीचे स्लोप में ले जाएंगे। तो अभी मैं अपनी कार को स्लोप की तरफ, बेसमेंट की तरफ लेके जाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आप देखिए यहाँ से पार्किंग लॉट है, यहाँ से मैं अपनी कार को अंदर की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ से जैसे ही स्लोप स्टार्ट होगा, आप देख सकते हैं यहाँ से स्लोप स्टार्ट हो रहा है, जो बैरिगेट सा लगा हुआ है, ये स्लोप स्टार्ट होगा। मैंने ब्रेक लगाई, कार को स्लो करके फर्स्ट गियर में लगी है। जैसे ही मेरा स्लोप स्टार्ट हुआ है, पार्किंग का स्लोप जैसे ही स्टार्ट हुआ है, मैंने क्लच को रिलीज कर दिया। आप देखिए मेरी कार आराम से 8 से 10 की स्पीड में नीचे जा रही है। मुझे जरूरत होगी तो मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा। ये देखिए मैं हल्की सी ब्रेक अप्लाई किया क्योंकि टर्निंग थी, और आप पूरी अगर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो इंजन ऑफ हो जाएगा। हल्की सी ब्रेक अगर आपको रिक्वायर्ड लगे स्लो डाउन करने के लिए, हल्की सी ब्रेक अप्लाई करिए, कार आपकी बहुत स्मूथली नीचे चल जाएगी। यही अगर आगे कोई आता है या कोई कार आगे होती है तो ब्रेक के साथ आपको क्लच भी प्रेस करना होगा, नहीं तो आपकी कार क्या है बंद हो जाएगी, इंजन ऑफ हो जाएगा। तो उससे बेटर है आप ब्रेक अप्लाई करें और क्लच को प्रेस कर लें। क्लच प्रेस करने से क्या होगा, आपकी कार जो है बंद नहीं होगी। तो आप जो स्लोप में जब कार को नीचे की तरफ लेके जाएं तो आप मैक्सिमम ट्राई करिए फर्स्ट गियर में ही रखने का, और अगर आप क्लच प्रेस करते हैं तो आपकी कार क्या है जो स्लोप है उसमें आपकी कार जो है बहुत ज्यादा स्पीड में जाने लगेगी। अगर आप क्लच प्रेस करते हैं फर्स्ट गियर में, अगर आप क्लच रिलीज करते हैं तो फर्स्ट गियर जो होता है वो इंजन ब्रेकिंग आपका कर सकता है। इंजन ब्रेकिंग इन द सेंस आपकी कार जो है वो स्लो चलेगी, उस गियर के अकॉर्डिंग स्पीड ले पाएगी। तो उस गियर के अकॉर्डिंग जो स्पीड है कार की आपकी, वो ज्यादा से ज्यादा 12 किलोमीटर पर आवर हो पाएगी। वो जो स्लोप है, आप जैसे ही क्लच को रिलीज करते हैं फर्स्ट गियर में तो आपकी कार जो है, अभी मैंने न्यूट्रल रखा हुआ है, तो क्लच को जैसे ही हम रिलीज करते हैं तो आपकी कार जो है स्लोप में बड़े आराम से नीचे की तरफ जाती है एक पर्टिकुलर स्पीड में। लेकिन अगर आप जैसे ही क्लच प्रेस कर देंगे तो वो फ्री हो जाएगा, आपका व्हील्स जो है गियर बॉक्स से फ्री हो जाएगा, उसमें कोई पावर नहीं होगी, लेकिन आपका स्लोप की वजह से कार की स्पीड आ जाएगी। वही चीज होता है आप क्लच अगर प्रेस करते हैं और न्यूट्रल अगर करते हैं स्लोप में। तो सबसे बेस्ट है आप फर्स्ट गियर में कार को अपनी रखिए। फर्स्ट गियर में इंजन ब्रेकिंग होती है, क्लच आप जैसे ही धीरे धीरे करके बाइटिंग पॉइंट के बाद रिलीज कर देंगे, आपकी कार देखिएगा आपको एकदम प्लांटेड लगेगी या कंट्रोल्ड में लगेगी। हाँ, इसमें एक्सीलेटर प्रेस बिल्कुल नहीं करें स्लोप में जब नीचे की तरफ जा रहे हैं। एक्सीलेटर प्रेस करेंगे तो आपकी कार की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, तो उससे क्या होता है आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी स्लोप है, और एक्सीलेटर प्रेस करेंगे तो कार और स्पीड ले लेगी। तो डाउनहिल बहुत आराम से आप इस तरह से कर सकते हैं। बीच में जैसे मैंने आपको कहा, बीच में अगर कोई कार आती है तो आप ब्रेक अप्लाई करके कार को, अपनी कार को कंट्रोल कर लें, स्टॉप कर लें क्लच और ब्रेक दोनों प्रेस करके। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम क्या है कंट्रोल कर सकते हैं अपनी कार को स्लोप में नीचे की तरफ। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्लोप में ऊपर की तरफ जब जाएंगे, स्लोप में ऊपर की तरफ जाने के लिए बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इनफैक्ट सभी नए ड्राइवर हो चाहे थोड़े एक्सपीरियंस ड्राइवर हो, स्लोप में ऊपर की तरफ जाने में बहुत ज्यादा परेशानी इसलिए होती है क्योंकि आपकी कार जो है स्लोप में होती है, और आप जब स्लोप में अगर ब्रेक लगानी पड़ जाए आपको, सपोज आपने ब्रेक लगाई कार को स्टॉप किया और आपको उसके बाद जब स्टार्ट करना है तब परेशानी आती है, क्योंकि
जैसे ही आप ब्रेक रिलीज करते हैं कार स्लोप की वजह से पीछे की तरफ आने लगती है, उसे हमें किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए वो अब मैं दिखाता हूँ अपहिल में आपको। हमें दो तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, एक होता है हैंड ब्रेक की तरफ से, एक होता है आप क्लच को रिलीज करके एक्सीलेटर कंट्रोल कर सकते हैं। तो किस तरह से करते हैं चलिए उसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ आपको। अभी मैं स्लोप में ऊपर की तरफ अपनी कार को लेके जा रहा हूँ, ये फर्स्ट गियर में ही रखा हूँ अपनी कार को। अगर मैं पीछे से आता तो हो सकता सेकंड गियर में होता, जैसे ही स्लोप स्टार्ट होगा मैं कार को फर्स्ट गियर में कर लूंगा। अभी मैं फर्स्ट गियर में ही हूँ तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कार को फर्स्ट गियर में ही आप देखिए। लेकिन स्लोप में जो है एक्सीलेटर हल्का सा ज्यादा एक्सीलेटर प्रेस करना पड़ेगा हमें। अभी देखिए मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो ये स्लोप स्टार्ट हुआ है, मैंने एक्सीलेटर हल्का सा प्रेस कर लिया तो मेरी कार फर्स्ट गियर में ही है, ऊपर की तरफ जा रही है ये देखिए। अब इस जगह में अगर मेरी कार स्टॉप करनी पड़े मुझे, ये देखिए मैंने कार को स्टॉप कर लिया, टर्निंग में मैंने कार को स्टॉप किया। इस जगह में अगर मैं कार को स्टॉप करता हूँ, अगर आगे मेरे कोई कार होती है तो मैं किस तरह से कंट्रोल करूंगा। सबसे पहला जो पैटर्न मैं बताता हूँ आपको वो है हैंड ब्रेक का। ये देखिए हैंड ब्रेक मैंने पुल कर लिया और फुट ब्रेक जो है रिलीज कर ली है, फुट ब्रेक रिलीज कर दी, हैंड ब्रेक पुल कर लिया। आप देखिए कार मेरी कंट्रोल में है, ब्रेक लगी हुई है हैंड ब्रेक। अब मैं जो है आगे बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं फर्स्ट गियर लगा हुआ है, एक्सीलेटर को कंट्रोल करूंगा और क्लच को धीरे धीरे रिलीज करूंगा। एक्सीलेटर में ज्यादा प्रेस करूंगा, क्लच रिलीज, देखिए आप मैं क्लच रिलीज कर रहा हूँ, एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ, मेरी कार मूवमेंट में आने लगेगी। जब मतलब बाइटिंग पॉइंट तक जब मेरा क्लच आ जाएगा तब मैं ब्रेक को रिलीज करूंगा और कार को ये देखिए आगे की तरफ बड़े आराम से मैंने आगे बढ़ा लिया। इस तरह से आप हैंड ब्रेक से कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा किस तरह से मैंने क्लच को बड़े आराम से रिलीज किया और एक्सीलेटर हल्का सा प्रेस किया और हैंड ब्रेक को रिलीज कर दिया है। जब हम इस तरह से करते हैं तो हमारी कार बिल्कुल भी पीछे नहीं जाती, आपने देखा किस तरह से पीछे बिल्कुल नहीं गई है। तो ये हुआ एक पैटर्न जगह जब अगर आप स्लोप में कार को रोकना पड़े। सेकंड पैटर्न है, सबसे बेस्ट पैटर्न यही है, हैंड ब्रेक अगर आप यूज करके करते हैं क्योंकि आपको फुट मूवमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी ब्रेक में। अब अगर आप अगर सेकेंड पैटर्न फॉलो करते हैं, सेकेंड पैटर्न ये इस तरह से है कि हम फर्स्ट गियर में कार को रखे हैं, ब्रेक अप्लाई कर रखी है मैंने फुट ब्रेक। अब जैसे ही मुझे आगे कार मूवमेंट में लगेगी तो कार मूव होने लगेगी तो मैं किस तरह से करूंगा वो मैं दिखाता हूँ। और पहली चीज बता दूं, आगे आपकी अगर कोई कार होगी तो डिस्टेंस ज्यादा रखें। डिस्टेंस ज्यादा रखने से ये होगा कि आगे वाली कार अगर मूव होगी पीछे की तरफ तो उसके पास स्पेस हो कि बैक अगर आए तो आप कंट्रोल कर सकें, या आप बैक कर सकें, या फिर वो कंट्रोल कर सके अपनी कार को। तो फर्स्ट गियर लगाएंगे हम सबसे पहले। अभी मैं विदाउट हैंड ब्रेक में किस तरह से कार को बढ़ाएंगे वो दिखाता हूँ। हैंड ब्रेक मैंने अप्लाई नहीं किया है। अब मैं ब्रेक फुट ब्रेक जो है रिलीज करूंगा, एक्सीलेटर प्रेस करूंगा, साथ ही साथ क्लच को अपने रिलीज करूंगा। क्लच रिलीज, ब्रेक रिलीज और एक्सीलेटर प्रेस। तो बाइटिंग पॉइंट में आते ही मैं एक्सीलेटर को प्रेस करूंगा। ये देखिए मैं ब्रेक जैसे रिलीज करूंगा साथ ही साथ एक्सीलेटर, ये दोनों तीनों चीज एक साथ मेरी काम करेगी। अभी देखिए ये देखिए किस तरह से मैंने कंट्रोल किया अपनी कार को, हल्की सी पीछे ही गई क्योंकि वो स्लोप है, हल्की सी कार पीछे जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आपके आगे कोई कार हो तो उसको कंट्रोल करें, मतलब उस पे डिस्टेंस रखें उस कार में। ये देखिए ये मैंने पीछे की अपनी कार को, हल्की सी पीछे जाती है और साथ में आप क्लच को हाफ क्लच में कार को पुल कर सकते हैं। तो ये ऐसे करने से फ्रेंड्स अभी आपको दो तरीका मैंने दिखाया किस तरह से हम कार को स्लोप से निकालते हैं, या फिर आप कह सकते हैं अपहिल में किस तरह से हम कार को कंट्रोल करते हैं हाफ क्लच से साथ ही साथ एक्सीलेटर से। और हमें ब्रेक जब अप्लाई करनी होगी, अगर मान लीजिए हमारे आगे कोई कार है तो हमें फिर से ब्रेक अप्लाई करके कार को कंट्रोल करना होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम कार को अपनी स्लोप में डाउनहिल में ले जा सकते हैं और अपहिल में। किस तरह से आपने देखा दो तरीका बताया मैंने किस तरह से आप अपनी कार को कंट्रोल करके बड़े आराम से ऊपर की तरफ ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे एंड ड्राइव सेफली, टेक केयर।